नमस्ते, मेरा नाम है विशाल। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। आज यहाँ दो कुर्सियाँ लगी हुई हैं और जो ये दूसरे सज्जन बैठे हैं इनका भी नाम विशाल ही है। हम दोनों एक ही जगह काम करते हैं। तो इनको दबंग थ्री देखने को बोला था किसी ने कि अंदर से मन हुआ क्या था? मतलब भैया, अपने मन के कहने और लोगों की सुनने के बाद मैं भी दबंग थ्री देखने चला गया। बॉलीवुड के भाई सलमान खान की फिल्म देखने का अपना अलग मजा है। बस यही देखने मैं भी सिनेमा हॉल चला गया, लेकिन जैसे गया था वैसे वापस नहीं आया। अब क्यों ऐसा वापस नहीं आया ये जानने के लिए हमारा दबंग थ्री का मजेदार रिव्यू देखिए। एक होता है पुलिस वाला, एक होता है गुंडा। हम कहलाते हैं पुलिस वाला गुंडा। तो भाई यार, फिल्म के पोस्टर पे तो लिखा था कि फिल्म 2D है, तुम बता रहे हो 3D है। भैया, फिल्म 2D नहीं है, फिल्म 3D ही है। यह फिल्म आपको एकदम रियल टाइम एक्सपीरियंस देती है। आप इस फिल्म को 2D में ज़रूर देखेंगे, लेकिन फीलिंग जो आएगी वो 3D वाली होगी। फिल्म के दौरान आपको कुछ लोग तो स्क्रीन से बाहर निकल कर नाचते भी दिखेंगे। यहाँ हम सलमान खान के फैंस की बात कर रहे हैं। यार ऐसी बात कर रहे हो, फिल्म लोग बता रहे हैं फिल्म एकदम कातिल है। भैया एक्टिंग की बात करूं तो सलमान की एक्टिंग एकदम कातिल है। इतनी कातिल कि उनके फेशियल एक्सप्रेशन, इमोशंस, रोमांस, कॉमेडी, उस सब का कत्ल हो जाता है। अच्छा कॉमेडी तो होगी ना ढंग की? कॉमेडी फिल्म में सलमान की कॉमेडी की इतनी कोशिश हुई कि उनकी तारीफ करनी चाहिए। अब क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उनकी कोशिश इतनी सफल भी हुई है और फिल्म पूरी तरह कॉमेडी हो गई। ये भी हटाओ, सई मांजरेकर का डेब्यू कैसा? ये है ना सही सवाल। दबंग थ्री में महेश मांजरेकर की बेटी सई मांजरेकर जितनी देर भी दिखी, उतनी देर अगर किसी को प्रोटेस्ट में दिखती तो फिल्म से अधिक कमा लेती। अच्छा सही भी छोड़ दो, रज्जो के साथ तो अच्छा होगा ना केमिस्ट्री? हाँ, फिल्म में रज्जो बनी सोनाक्षी के साथ धाकड़ पांडे बने सलमान का रोमांस देखने के बाद हो सकता है आप इंटरवल में ही अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर भेज दो। और साथ लाए हम हमारी सुपर सेक्सी मिसेस को रज्जो। अब दबंगई पर चलते। म्यूजिक। हाँ, अब आते हैं म्यूजिक। म्यूजिक की बात करें तो साजिद वाजिद ने कमाल का म्यूजिक दिया है। हर गाने में गजब के इफेक्ट डाले हैं। फिल्म इंडस्ट्री के बाकी म्यूजिक डायरेक्टर्स को ना उनसे सीखना चाहिए, कंपोजर्स को सीखना चाहिए। जब भी फिल्म के बीच में गाना आता है तो बीच बीच में आपको सीटियाँ सुनाई देती हैं। और फिल्म का म्यूजिक और 3D लाइव एक्सपीरियंस इतना मज़ेदार है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और फिल्म में इतने गाने हैं कि आपको समझ नहीं आएगा गाने में फिल्म है या फिल्मों में गाने हैं। अच्छा फर्स्ट हाफ ज़्यादा अच्छा है या सेकेंड हाफ ज़्यादा अच्छा है? हाँ, फिल्म की खास बात ही इसका अनोखापन है। इस फिल्म में आपको कभी भी स्थिर होने का मौका ही नहीं मिलेगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे। फिल्म को देखते हुए आपकी भावनाएं पल पल बदलती रहेंगी। आप जैसे ही फर्स्ट हाफ देखेंगे तो वो आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन आप जैसे ही सेकंड हाफ पे जाएंगे ना, आपको फर्स्ट हाफ ज्यादा बेटर लगेगा। अच्छा इतनी बुराई कर रहे हो, भाई के फैंस को तो पसंद आएगी ना फिल्म? भाई के फैंस को? फिल्म देखने के बाद भाई का कट्टर से कट्टर फैन भी भाई से वैसे ही निराश हो जाएगा जैसे खुद भाई अपने दोनों भाइयों से निराश है। नाराजगी इस बात की नहीं है हमें कि तुम हमारे घर में घुसे, लेकिन भाई कुछ भी कहो, सल्लू के एक्शन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। फिल्म में स्टंट्स की बात करें तो स्टंट्स काफी कमाल के हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि आप पर्दे पर स्टंट देख रहे हैं, आपको पड़ोस वाला सारे स्टंट सीट पर बैठे बैठे ही करता दिख जाएगा। ये तुम्हारी आत्मा देखेगी और घंटा कुछ नहीं कर पाएगी। साउथ से एक विलेन आया है, सुदीप किच्चा नाम है, कैसा है?
फिल्म में विलेन बने सुदीप किच्चा एक्टिंग में एकदम टॉपर है, लेकिन नीचे से। फिल्म में सोनू सूद की जगह किच्चा उतने ही फिट हैं जैसे धोनी की जगह क्रिकेट टीम में ऋषभ पंत। अच्छाई और बुराई की लड़ाई में आपने सुना होगा कि जीत अच्छाई की होती है, गलत सुना है आप। कितने करोड़? दबंग 3 अपने आप में खास फिल्म है। फिल्म में सब कुछ खास है, इतनी खास कि आप बिना देखे ही बता सकते हैं फिल्म 200 करोड़ से अधिक कमाई करेगी। मैं पहले ही बोला था, अब आखिरी में कुछ बचा हो तो वो भी बखी, मेरा मतलब बोल ही दो अब। अब आखिरी बात, सलमान के फैन है तो फिल्म जरूर देखेंगे, क्योंकि मेरा मना करने या ना करने से तो वैसे रुकने वाले वो है नहीं। फिल्म देखने के बाद एक बात तो साफ है कि फिल्म देखने जाइए तो दिमाग बाहर रख के जाइए, क्योंकि आपके साथ वाला भी ऐसा ही करके आया होगा। फिल्म के बीच बीच में जब आपको मौका मिले ना सीटियों के बीच, तो एक दो गालियां भी दे लेना। अब इससे क्या होगा कि आपका जो टिकट में पैसा खर्च हुआ है ना, तो उसका 10% तो वसूल हो ही जाएगा। सर हमारे प्रमोशन का क्या होगा सर? आपके दिमाग में भी ऐसा कोई ख्याल मंडरा रहा है? बिल्कुल नहीं सर, हर किसी नहीं सर, सपनों में भी नहीं सर। आई लव यू सर। आई लव यू टू। बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। बाकी तो आप समझदार हैं ही। तो ये रिव्यू कैसा लगा है ये भी हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पसंद आया हो ना पसंद आया हो, जैसा भी हो रिव्यू जरूर देना, ठीक है? और इसे दिमाग बाहर रख के मत देखना। हाँ, टाटा बाय बाय, शेयर लाइक सब्सक्राइब, धन्यवाद। और यहाँ गाली वाला रूल यहाँ अलाउ नहीं होता है, ठीक है? बाय। स्वागत तो करो हमारा।